नमस्कार, आप देख रहे हैं जनरत एक्सप्रेस। खबर बलिया से है, जहां पर बीजेपी विधायिका केतकी सिंह ने राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी के साथ दुलार करने वाली तस्वीर पर बड़ा बयान दे डाला। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलिया के बांसडीह विधायक विधानसभा के सहतवार से हैं, जहां बीजेपी की महिला विधायक केतकी सिंह ने राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी के साथ दुलार करने वाली तस्वीर पर बड़ा बयान दे डाला। इन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। राहुल गांधी को पता नहीं क्या चीज़ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी की तरह दाढ़ी रख लेने से कोई नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। वहीं विधायक ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर भी बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों ने भारत को तोड़ने का काम किया है। उनके भारत जोड़ो यात्रा महज एक दिखावा है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर महिला विधायक को क्यों लगता है कि राहुल गांधी की अपनी बहन के साथ दुलार करना चिंता का विषय हो गया है? आखिर विधायिका को क्यों लगता है कि भरे सभा में दुलार नहीं करना चाहिए? दरअसल विधायक ने यह बयान कंबल वितरण के कार्यक्रम के दौरान मीडिया से कही। जनरत एक्सप्रेस से अमित कुमार, बलिया, यूपी। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सबसे बेहतर एक लोकप्रिय तस्वीर वायरल हो रहा है और काफी लोग इसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? राहुल बाबा उस बाबा के रूप से ऊपर ही नहीं आ पाते, उनको ये समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए और क्या कहा नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि मोदी जी की तरह दाढ़ी रख लेने से मोदी जी की सोच और उनका विजन, उनका विचार नहीं आ जाता। राहुल जी जिस दिन ये समझने लगे उस दिन उनकी और कांग्रेस की तकदीर बदल जाएगी। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ है, ये कितना सफल आप मानती हैं? ग्राम सभा का भैया, राहुल गांधी जी के ऊपर मैं क्या बयान दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी अपने आप में एक पूरे के पूरे बयान है। अब मोदी जी की तरह दाढ़ी रख लेने से हर कोई मोदी जी तो बन नहीं सकता, तो बहुत बड़ा अंतर है। भारत टूटा कहाँ है? भारत सही मायने में तो आज जुड़ा है। आज जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक आज हम सभी एक सूत्र में बंधे हैं। वो जम्मू कश्मीर जो भारत का अंग, महत्वपूर्ण अंग रहते हुए, और यही कांग्रेस की सरकार थी जिसके आज वंशज भारत जोड़ो का नारा देकर और चल रहे हैं, इन्हीं के पूर्वज थे जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर को हमसे अलग करने का प्रयास करवाया, हर संभव प्रयास कराया। पीओके जो भारत का अंग था उसको अलग कराया। ये इतिहास तो संपूर्ण भारत जानता है, तो भारत जोड़ो का ये दिखावा भारत नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले।